अस्सलामुअलैकुम गाइस, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज सैटरडे है और हमारा ऑफ था, तो अभी फ़िलहाल हम लोग वॉक के लिए निकले हुए हैं। तो ये हमारा सोसाइटी है, तो मैंने सोचा चलो वो लोग बना लेते हैं। तो अभी हम फ़िलहाल जो है वो शॉप पे जा रहे हैं, तो तकरीबन रोज़े का टाइम जो है इफ्तारी का टाइम होने वाला है। और तकरीबन क्या टाइम हुआ ईमान? हाँ 5 बज गए हैं, तो नहीं 5:30 हो गए हैं, तो 1 घंटा रह गया इफ्तारी के टाइम में। तो मेरे साथ मेरी सिस्टर है, तो हम लोग अभी शॉप पे जा रहे हैं। क्या लेना है ईमान? आपने चीज़ लेनी है वो भी ना, ये देखिए कितना अच्छा व्यू है। सामने अंकल्स बैठे हुए हैं अपनी गाड़ियों के साथ, तो उन्होंने वहाँ पे ना कुछ चीज़ें रखी हुई हैं, जैसे बर्ड्स वगैरह, चीज़ें वगैरह ना, मतलब कि ना अपना दिल बहलाने के लिए। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? वो अंकल दो और भी हैं, तो हम अभी जा रहे हैं। बिल्कुल नज़दीक हमारे यहाँ इस टाउन में ना एक ही शॉप है नज़दीक, ठीक है? तो वहाँ पर ना हम खुद ही ना ले आते हैं, तो वो ज़्यादा दूर नहीं है, वो भी हम आपको आज दिखाएंगे। तो ये खाली प्लॉट पड़े हुए हैं, ये अभी आपको खाली नज़र आ रहे हैं, लेकिन असल में ये जो चार टांगों वाले कुत्ते होते हैं ना, उनकी जगह है ये असल में। और ये देखिए ये वाले, ये किसका घर है ईमान? ये कोई ना वो ऐसे वाले का घर है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। जिसके ना जो मतलब के ना किसमें जो ना उसे सियासतदान से ताल्लुक रखता है, तो ना इन्होंने ना गार्ड भी रखे हुए हैं और इन्होंने कैमरा भी लगाया हुआ है। तो एक दफा ना ऐसे हम लोग ना, मैं और मेरी सिस्टर चीज लेने गए ना शॉप पे, तो कैमरा लगा हुआ था, मुझे नहीं आइडिया था कि कैमरा लगा हुआ है। तो मैंने ना पंगे लिए, मैंने इनका गेट बजा के भागी हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इनका कैमरा लगा हुआ है। वो शुक्र अभी हम पकड़े नहीं गए। वाह दीदी, वाह दीदी, दीदी वाह दीदी, दीदी दीदी। और ये देखिए कितनी प्यारी इन्होंने गार्डनिंग अच्छी, देखिए बहुत अच्छा। और वो सामने रोड है, तो ये इन्होंने झूला लगाया हुआ है, लेकिन यहाँ पे हम बैठ नहीं सकते क्योंकि सामने कैमरा लगा हुआ है, इस वजह से। तो अभी ना यहाँ पे बहुत सारे प्लॉट्स ऐसे खाली पड़े हुए हैं, तो जहाँ पे अभी कंस्ट्रक्शन का काम होना है। देखिए अभी बहुत सारे प्लॉट्स हैं, देखिए ये भी 2 घर बन रहे हैं। तो ये वाला इनका घर है अंकल का, जो भी हैं सियासत वाले अंकल है ना, इस वजह से ये इनका कैमरा ना वो रहा बिल्कुल आगे, आपको नज़र नहीं आ रहा, मुझे आ रहा है नज़र। तो ये देखिए कितनी अच्छी गार्डनिंग की हुई है इन्होंने, ये देखिए ये कितना अच्छा घर है ये यहाँ पे। तो ये यहाँ पे अभी कंस्ट्रक्शन का, तो मेरी सिस्टर जो है ना वो चली गई है शॉप पे, शॉप के अंदर घुस गई है, तो मैं इधर को आ गई हूँ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो बिल्कुल ही हालत ख़राब हुई है, जगह रुकी हुई है। तो ये देखिए लड़का और लड़के के पीछे बच्चा और बच्चे के नीचे साइकिल। तो अंकल अपनी बच्ची को ना, चले वापस चलते हैं इधर। तो ये देखिए ये व्यू है, मतलब यहाँ अभी ना बहुत सारा काम पड़ा हुआ है, आधे से ज़्यादा घर बनने वाले पड़े हुए हैं, तो कंस्ट्रक्शन का काम जारी और सारी है। तो ये देखिए यहाँ पे गार्डनिंग बहुत, मतलब कि ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है। तो ये सामने बिल्कुल रोड है, बिल्कुल सामने। अच्छा शॉप वाले अंकल बाहर ही खड़े हैं। तो मैं अभी ना इधर उधर घूम रही हूँ, मैं ईमान का वेट कर रही हूँ, आती है तो फिर हम वापस जाते हैं, क्योंकि इफ्तारी का टाइम हो गया, अगर हम लेट गए ना तो हमें ना हमारी हो जानी है थोड़ी सी बिस्ती, इस वजह से ना हमें ज़रा टाइम का ख्याल रखना पड़ेगा। तो ये न्यू घर बन रहा है, मतलब कि जब स्टार्ट में बन रहे होते हैं ना, उस टाइम ऐसे लग रहा होता है जैसे पता नहीं अच्छे नहीं होंगे, लेकिन जब बन जाते हैं बंदा हैरान रह जाता है, इतने प्यारे माशाल्लाह से। ये देखो तो ईमान आप ही आ गई हैं मेरे साथ है बिल्कुल, तो अब हम घर जा रहे हैं। अच्छा नहीं, ईमान मेरी छोटी सिस्टर है, ईमान आपकी गलती से निकल गया भाई, मैं इहतराम करती हूँ आपका। ईमान आपको समझ नहीं आई? तो लगा मेरा मजाक। तो ये बिल्कुल रोड, यार पता नहीं मुझे ये समझ नहीं आती है, 24 घंटे ये वाम इतनी कहाँ से आती है, 24 घंटे रोड चलते हैं, 24 घंटे जब भी चले जाओ रोड पे रश होता है इतना ज़्यादा वाला। तो अभी हम ना आए, हम यहाँ से थे जा, हम यहाँ से रहे हैं। तो ईमान क्या है, क्यों ऐसे कर रही हो, मुझे मारो नहीं। अच्छा ये उन्होंने कहा है,
अच्छा ये देखो ये भी अब कंस्ट्रक्शन का काम यहाँ भी हो रहा है, यहाँ भी प्लॉट खाली है, लेकिन यहाँ पे कुत्ते जो है ना चार टांगों वाले, वो आपको ये रात को इधर घूमते होते हैं, इसलिए रात को बंदा कोई अकेला नहीं आ सकता क्योंकि फिर वापस नहीं बचेगा। ये देखे पता नहीं यहाँ पे कैसे घर बनाएंगे अब लोग, इतना गंद डाला हुआ इन्होंने। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ, ये इनका कंस्ट्रक्शन का काम है और ये इनकी घर है, घरों में लोग हैं, अंकल आ रहे हैं। अब इस जगह का मुझे नहीं आइडिया ये किस लिए इन्होंने बनाई हुई है, लेकिन अब मैं पूछ भी नहीं सकती। मैंने सोचा था मैं सामने चली जाती हूँ, सामने वाला घर आपको दिखाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। मैं मतलब कि ना ये सामने दो घर हैं, लेकिन ना अंकल खड़े हुए हैं पेट निकाल के, इस वजह से मैं वहाँ नहीं जा सकती। तो ये देखिए मतलब कि जो इन्होंने गार्डनिंग की ना बहुत मिस की है, स्पाइसी है, स्पाइसी फुल। वाओ ब्यूटीफुल। ये ओए कुत्ता, कुत्ता नहीं, हमारा सामने से कुत्तों के साथ सामना हुआ है, तो इस वजह से हमने अपना रास्ता फिर से तब्दील कर लिया। अब हमने सोचा कि जहाँ से हम आए थे हम वहीं से वापस जा रहे हैं, पहले हमने सोचा था हम दूसरी गली से वापस चले जाते हैं, लेकिन ना मसला हो गया, इस वजह से हम ना वापस जा रहे हैं उसी गली में जहाँ से हम आए थे। ये देखिए मौसम आज काफ़ी ठंडा, मतलब कि मुझे ठंड लग रही है, मुझे रोज़ मेरा रोज़ा है लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि मेरा रोज़ा है। मैं अब ये नहीं बताना चाह रही कि मेरा रोज़ा है, मेरा रोज़ा है। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो। अच्छा ये देखें ये कितना अच्छा है। तो अब हम ना उसी गली को जा रहे हैं जहाँ से हम आए थे। तो ना ईमान आगे से चलें, फुल आगे से शॉप के पास से चले हैं, अब वो अंकल भी नहीं है, चले चले। ईमान ज़रा ना बोल नहीं रही, पता नहीं क्यों, वैसे इसकी ज़ुबान तड़ चलती है। अब इसने ये मुझे मारती है घर में इतना ज़्यादा, वो भी वो आंटी जा। यार देखो कितना अच्छा व्यू है, माशाल्लाह 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 से। तो चलो यार आगे से चलते हैं ईमान, ठीक है। पहले ना वहाँ पे शॉप वाले अंकल खड़े थे, इस वजह से मैं वहीं से वापस आ गई। मैं जरा अंकल कॉन्शियस हूँ ना, इस वजह से मैं अंकल्स के सामने नहीं जाती। वाह दीदी वाह दीदी, नहीं नहीं दीदी वाह दीदी, दीदी दीदी। तो ये देखिए कितना अच्छा है, बहुत अच्छा है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो यार ईमान टाइम नहीं होगा रोजे का। अच्छा तो ना अब चलते हैं, अब आंटी अभी भी खड़ी है। तो अब अभी भी हमने फिर सोचा है कि अब हम ना और किसी और से जाते हैं, क्योंकि ना वहाँ भी कुत्ते हैं, इस टाइम ना कुत्ते बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, इस वजह से ना उनसे डर लगता है, हम पीछे लग गए ना भागा भी नहीं जाना, फिर आगे बारिश हुई है तो पाँव स्लिप होके अभी गिर गुर गए ना, फिर मज़ा आएगा। तो ये देखिए इतना अच्छा व्यू है, देखो ये सारे प्लॉट्स खाली पड़े हुए हैं। तो ये बच्चे चीज़ें लेने जा रहे हैं शॉप पे, तो ये शॉप है जहाँ से हम चीज़ें लेते हैं। ओए वो देख कुत्ता, ओए क्या है। तो ये हम जा रहे हैं, तो ये वाली गली यहाँ चलते हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रीट नंबर कौन सी है, चार पाँच छः। भाई मान तो हो गई है गूंगी, अब मुझे ही बोलना पड़ेगा, मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। तो ये सीधा वो देखो बच्चा ऊपर से ना खुदकुशी करने के इरादों में लग रहा है, ओए रमजान है। तो ये देखो ये बहुत अच्छा, ओह अच्छा, हमने ना रात को वीडियो बनाई थी लेकिन ना रात की वजह से वो वीडियो क्लियर नहीं थी, मतलब कि कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था, तो इस वजह से फिर मैंने अपलोड ही नहीं की तकरीबन, मतलब कि हम मगरिब के बाद गए थे वॉक के लिए, तो इस वजह से ना वो इतना क्लियर व्यू नहीं था। तो यहाँ पे ना ज़्यादा प्लॉट्स हैं, बची जा रही है ये बिल्कुल खाली प्लॉट, अगर किसी ने ख़रीदना हुआ ना तो यहाँ से ख़रीद लेना, फ्री में नहीं है, पैसे दे के खरीदना पड़ेगा। तो लगा मेरा मजाक। तो ये जो है ये इनके घर हैं, क्या है घर, अच्छा ये वाला घर बहुत बड़ा है, मतलब कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मुझे लगता है यहाँ पे ना इन्होंने ये वाला पोर्शन ना रेंट पे दिया हुआ है। तो लेकिन है ये माशाल्लाह बहुत प्यारा, मतलब फ्रंट बहुत प्यारा है, बैक इतना अच्छा नहीं है, मोबाइल भीग रहा है।
तो ये सामने देख जरा पहले, ये व्यू है बिल्कुल, मां देख। अच्छा ये है इसका फ्रंट जो है ना, मतलब कि बहुत प्यारा। और ये घर जो है ना वो उसी टाइम से जाते हैं जब आप लोग ना मतलब के साल में एक दफ़ा ज़रूर दोबारा से उसको रिपेयर करवाएं। तो इन्होंने ना अभी रिसेंटली आई थिंक सो एक या दो हफ्ते पहले उन्होंने दोबारा से सारा पेंट करवाया है, तो माशाल्लाह से इतना अच्छा लग रहा है। तो घर ऐसे ही ज़िंदा रहते हैं, जैसे इंसानों को खुराक की ज़रूरत होती है जैसे घरों को भी ज़रूरत होती है। तो इन्होंने ये कैमरा लगाया हुआ है, चलो भाई चलते हैं। तो बारिश कम, रोज़े का टाइम जो है ना वो नज़दीक आ गया और ना बारिश भी हो रही है अब, और ऊपर से बादल भी गरज रहे हैं और ऊपर से अंकल भी निकल आए हैं। तो मैं घर पहुंच गई हूँ और इफ्तारी का टाइम भी हो गया, होने वाला है तकरीबन 5 मिनट रह गए हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। और गलते हैं को शेट ठोक दीजिए, महाकाल का तबाह कर लाएगा, शेट ठोक दीजिए। 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए, ये 4,000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ।